पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम दोनों ने आंगन स्वच्छ कर दिया? जी। अब जाके रसोई घर भी स्वच्छ कर दो। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जो आ गया राजमाता। वैसे तुम्हारे रसोई घर को स्वच्छ करने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे उस स्थान को अशुद्ध करने की योजना मैं पहले ही बना चुकी हूं। क्षमा करना पुत्र, पर तेरे पिताजी चाहते हैं कि तू मानसिक और भावनात्मक रूप से और शक्तिशाली बने, ताकि तेरा ध्यान मुझसे हट पाए और तू और भी अधिक बड़े और महत्वपूर्ण कार्य कर पाए। पर इसके पहले सबसे पहले मुझे स्वयं को थोड़ा कठोर बनाना होगा। बहुत बढ़िया, इसे वहां पे रख दो। शुद्धिकरण की प्रक्रिया अब पूरी हुई। आपकी चाल अब समझ में आई माँ। जब नाग माता कद्रू को पता चलेगा कि रसोई घर में मांस और अस्थियां बिखरी हुई हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसे स्वच्छ करने का समय भी नहीं मिलेगा उन्हें, और ऐसे में उनका व्रत आरंभ होने से पहले ही भंग हो जाएगा। और ये व्रत भंग होते ही चित्रगुप्त के बही खाते से कद्रु के पुत्रों का नाम कट जाएगा, और उसी के साथ साथ उसके जीवन की डोर भी कट जाएगी। कल भोर में सूर्य उगने से पहले ही तू कुशा तोड़ लाना। स्नान के बाद सबसे पहले मैं उससे प्रभु विष्णु की प्रतिमा बनाऊंगी, और फिर गोबर से चील और सियार की। माय प्रश्न, प्रतिमा बनाने के लिए कुशा और गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है? वेदों के अनुसार घास के सभी प्रकारों में कुशा सबसे अधिक शुद्ध और सबसे शक्तिशाली है। आदिकाल से ही महान ऋषियों द्वारा तपस्या के आसन के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। उनके तेज और ऊर्जा के कारण कुशा के हर तिनके में बड़े से बड़े कवच से अधिक शक्ति होती है। यहाँ तक कि मृत्यु को भी लंबे समय तक रोक पाने की क्षमता होती है कुशा में। और जहां तक गोबर का प्रश्न है, उससे उत्तम खाद और कुछ है ही नहीं गरुड़। तन के भीतर की कोशिकाओं को सड़ने या नष्ट होने की प्रक्रिया को रोकने का गुण होता है गोबर में। जब उसे सुखाकर उस पर घी डालकर उसे जलाया जाता है, तो वातावरण शुद्ध हो जाता है और चारों ओर जीवन की आभा फैल जाती है। तूने कुछ खाया है क्या? नहीं माँ। हाँ, ये सूर्यदेव ने जो शहद दिया था, बस उसी का सेवन किया माँ। तो फिर ये मांस की दुर्गंध कैसी है? कहाँ से आ रही है? हाँ माँ, ये गंध तो मांस की है, परंतु
हम तो पूरे महल की झाड़पोछ कर चुके हैं। पर कार्य समाप्त नहीं हुआ। यदि सूर्योदय तक महल के किसी भी कोने में एक भी अस्थि रह गई तो व्रत आरंभ होने से पहले ही भंग हो जाएगा। ये मां पुत्र की ना कुछ अधिक ही तरवर है। इससे पहले कि ये मेरी चाल व्यर्थ कर दे, मुझे कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। देखिए माँ, हम आपके लिए क्या लाए। दुनिया के सबसे अनोखे, दुर्लभ और मूल्यवान। परसों जब व्रत समाप्त होगा मैं इसे ही पहनूंगी, ताकि जब मेरे पुत्र स्वस्थ होकर लंबी निद्रा से जागे तो अपने दिए इस उपहार को मुझे धारण किए देखकर बहुत प्रसन्न हो जाए। विश्वास करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम यहां आभूषण चुन रही हो और वहां वो विंता और गरुड़। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ना स्वयं अपनी आंखों से देखोगी तभी विश्वास करोगी। चलो मेरे साथ आओ। अस्थियों की गंध तो यहीं से आ रही है, पर यहाँ तो सब स्वच्छ ही है। अवश्य ही हमें कोई भ्रम हुआ होगा। एक क्षण मां, पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।